उठा दो, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वजह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद और कहीं ना कहीं ये सभी अभ्यर्थी जो हैं वो नियुक्ति मांग रहे हैं, क्योंकि कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश का पालन किया जाए। और आज ये अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर से प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये अनुप्रिया पटेल का आवास है, यहाँ पर वो रहती हैं। और इसके बाहर का जो नज़ारा है वो आप देखिए कि ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए। उनका मानना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण जो घोटाला हुआ था उसका कोर्ट को आदेश हुआ था और कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति दी जाए, और जिसके बाद ये सभी जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो पहुँचे हुए। उनका मानना भी है कई ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो इस समय कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में बेहोशी की भी हालत में आ गए हैं, बेहोश भी हो गए हैं, और ऐसे में ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ भी ये प्रदर्शन हुआ था, और उसके बाद आज जो है फिर ये केंद्रीय मंत्री जो है उनके यहाँ पर इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग कल भी प्रदर्शन किए थे, आज भी किए हैं, क्या वजह है आज अनुप्रिया पटेल के यहाँ पहुँचे थे? देखिए, कल हम लोग अपनी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए थे। वहाँ पर जो जाती हुई आपने भी अपने चैनल पे चलाया और आज तक ने पूरा कवर किया हम लोगों को, वहाँ पे केवल हमारी इतनी सी मांग थी कि डिप्टी सीएम से हमारी मुलाकात करवाई जाए। जो काम अधिकारी 2 घंटे में करते हैं उसको 20 दिन बीतने के बाद भी एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, यही वजह हम लोग जानने के लिए वहाँ गए थे। एक वजह और थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार चल रहा था, हम लोग इस उम्मीद में गए थे कि हमारे 2 लोगों को कम से कम मुख्यमंत्री जी से मिलवा दिया जाए, लेकिन नहीं मिलवाया गया। बदले में क्या किया कि ये पूरे देश ने देखा, आपने भी चलाया कि हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया गया, कपड़े फाड़े गए, मारा पीटा गया और गालियां दी गई। उसके बाद हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। कल हमारी दीदी अनुप्रिया पटेल इलाहाबाद में थी, उन्होंने वहाँ पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए इस बात को दोहराया है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए, हमको जानकारी मिली कि वो यहाँ मौके पर मौजूद है, हम लोग मिलकर उनको ये बताना चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के जिन अधिकारियों के भरोसे हमारा भविष्य छोड़ दिया गया है वो अधिकारी असली घोटालेबाज हैं, उन्होंने घोटाला किया है और वो कतई नहीं चाहते कि हमारा भला हो, इसलिए वो आराम से चुपचाप ऐसी कमरों में बैठ के राजनीति खेल रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंतजार कर रहे हैं कि मामला पहुंच चुका है, वहां से स्टे हो जाए, उनको कुछ ना करना। अनुप्रिया पटेल का क्या कहना है, चूंकि वो तो आरक्षण के खिलाफ बोलती रही है, कल भी उन्होंने इस बात को माना है? देखिए, जो बात हम 4 साल से सड़कों पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं उन्होंने उसी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना है और वो पहले दिन से कहती चली आ रही है और माननीय हाईकोर्ट ने भी इस बात पे मुहर लगा दी है। तो ये बात जब सबको पता चल गया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है तो आखिर ये अधिकारी जानबूझकर जो काम 2 घंटे में, लेकिन एक तीन सरकार की तरफ से 3 महीने की भी बात कही गई कि 3 महीने में नियुक्ति देंगे, फिर ये प्रदर्शन किस बात का है? देखिए, हमें डर है इस बात का कि जिन अधिकारियों ने घोटाला किया वो आज भी वही अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, वो हर वो कुचक रचेंगे ताकि हमको नियुक्ति पत्र ना देना पड़े। और माननीय जहां तक माननीय न्यायालय की बात रही, माननीय न्यायालय ने कहीं नहीं कहा कि आप 89 दिन में काम शुरू करिए और 90 दिन में पूरा करिए, उन्होंने 3 महीने की एक डेडलाइन तय की है। तो जो काम 2 घंटे में किया जा सकता है उसको अधिकारी 3 महीने क्यों लटकाए? क्या हमारे 4 साल बर्बाद करने के बाद भी 3 महीने और बर्बाद? अनुप्रिया पटेल से मुलाकात हुई, बातचीत हुई कुछ अभी? अभी कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे मौजूद है, तब तक मौजूद रहेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। देखिए, यहाँ पर ये अभ्यर्थी का मानना है साफ तौर से कि लगातार जो यहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है वो गलत है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये आरक्षण की जो घोटाला हुआ था उसको लेकर नियुक्ति लेकर अब यहाँ पहुँचे हैं ये अनुप्रिया पटेल के आवास पर, और जब तक मुलाकात नहीं तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। लखनऊ से कैमरा संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।